नमस्कार, आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल न्यू हिंदी इस चैनल को और साथ में भी बेल आइकॉन को दबाए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। एयरपोर्ट पर एक्सरे मशीन में घुस गई लड़की, फिर जो हुआ देखकर सन रह गए लोग। एयरपोर्ट बस या ट्रेन स्टेशनों पर सुरक्षा की दृष्टि से लगाए जाने वाली एक्सरे मशीन कभी कभी यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन जाती है। लोगों को जब भी इसमें अपना सामान चेकिंग के लिए अड़ालना होता हो वो थोड़े डरे हुए होते हैं। चेकिंग के लिए एक्सरे मशीन में अपने कीमती सामान को रखते वक्त लोग ये सोचते हैं कि कहीं उनके सामान को कोई नुकसान न हो जाए, इसलिए सफर के दौरान भी लोग अपने सामानों की हिफाजत के लिए लोग तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। लेकिन आज एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। चीन के शहर बीजिंग में एक्सरे मशीन में महिला के अपने सामान के साथ घुसने की खबर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन के रेलवे स्टेशन में एक लड़की अपने बैग की सुरक्षा को लेकर इतनी डरी हुई थी कि वह उसकी हिफाजत करने के लिए एक्सरे मशीन के अंदर ही घुस गई। लड़की की इस बचकाना हरकत को देखकर वहां मौजूद लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आ गया, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे एक्सरे मशीन में महिला ने खुद घुसकर अपने सामान की सुरक्षा करने की कोशिश की। सुरक्षा जांच से गुजरने के दौरान शायद आप ही कभी न कभी अपने सामान की सुरक्षा को लेकर चिंतित हुए होंगे। अमूमन देखा जाता है कि लोग अपने सामान के चोरी होने के डर से कुछ न कुछ अजीब हरकतें करते रहते हैं। चीन में एक ऐसी ही घटना सामने आई है। यहाँ एक महिला अपने सामान की सुरक्षा के लिए एक्सरे मशीन के अंदर चली गई। उसे डर था कि उसका सामान चोरी हो सकता है। सुरक्षा कर्मी भी महिला को ऐसा करते देख चौंक गए। इस घटना का वीडियो सामने आया, जिसमें उसकी छाया आकृति साफ नजर आ रही है। वीडियो में ये भी दिखाया गया है कि कैसे वह चेकिंग खत्म होने के बाद एक्सरे मशीन से बाहर निकली और ऐसे अपने रास्ते पर चली गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस सीन को देखकर वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स भी हंसने लगे। यह घटना चीन के डोंगवान ट्रेन स्टेशन पर 11 फरवरी को हुई थी। दरअसल चीन के इस स्टेशन पर काफी भीड़ थी, इसलिए इस लड़की ने ऐसा किया। यह घटना उस वक्त हुई जब लाखों चीनी लोग 16 फरवरी को आगामी चंद्र नव वर्ष के लिए घर जाने के स्टेशन पर भारी संख्या में पहुंच गए थे। देश भर के करीब 40 लाख लोग इस दौरान 40 दिन की छुट्टी पर घर जा रहे थे। चीन सेंट्रल टेलीविजन स्टेशन के मुताबिक इस दौरान रेलगाड़ी, बस और वायु सेवा से 1.4 अरब चीनी नागरिक यात्राएं करते हैं। इस भारी भीड़ में अपने सामान के खोने के डर से ही इस महिला ने एक्सरे मशीन में घुसने का फैसला किया। उसे डर था कि इतनी भीड़ में उसका सामान न खो जाएगा, इसलिए वो खुद ही एक्सरे मशीन में घुस गई। एक्सरे मशीन में महिला के घुसने के बाद ऐसी तस्वीरें आईं जिसे देखकर वहां मौजूद सिक्योरिटी अधिकारियों को भी यकीन नहीं हो रहा है।